हेलो एवरीवन आई एम अनराधा प्रदर्शनी एंड वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल करंट अफेयर्स विद अनराधा आज मैं आप लोगों के लिए प्रतियोगिता दर्पण अगस्त 2020 ट्वेंटी के स्पोर्ट्स न्यूज़ के साथ हूँ आज के इस वीडियो में हम लोग जितने भी स्पोर्ट्स के न्यूज हैं अगस्त 2020 ट्वेंटी के विद डिटेल एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लिए प्रतियोगिता दर्पण अगस्त ट्वेंटी ट्वेंटी का कंपाइलेशन लेकर के आऊँगी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा चलिए अगर आपको मेरा मेटेरियल अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल बटन को प्रेस करके रखिए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियो होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगा लेट्स स्टार्ट द वीडियो चलिए हमारा पहला न्यूज़ है क्लेयर कनोर के बारे में ये बहुत ज़्यादा अभी न्यूज़ में है क्योंकि फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है मार्जलीबोर्न क्रिकेट क्लब की इन्होंने रिप्लेस किया है श्रीलंका के क्रिकेटर कुमार संगकारा को कुमार संगकारा एट प्रेजेंट वहाँ एम क्लब के प्रेसिडेंट है और वो सेप्टेम्बर ट्वेंटी तक इसके प्रेसिडेंट रहेंगे अक्टूबर में क्लेयर कनोर जो है वो अपना चार्ज प्रेसिडेंट का चार्ज ले लेंगे ये टू थर्टी की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि एम क्लब की जो प्रेसिडेंट है वो कोई महिला चुनी गई है अगर आप क्लेयर कनोर के बारे में में देखेंगे तो फॉर्मर इंग्लैंड की कैप्टन रह चुकी हैं ऑलराउंडर क्रिकेटर हैं बैट्स राइट हैंडेड एंड बॉल्स स्लो लेफ्ट आर्म स्पिन इनका इंटरनेशनल कैरियर देखेंगे तो इन्होंने 41 इंटरनेशनल मैचेस खेले थे जिसमें इन्होंने सोलह सौ चार रन मारे थे 104 विकेट्स लिए थे दो से 2006 तक ये कैप्टन थी और 2005 में इन्हीं की कैप्टनसी में एस एस जीती थी इन्हीं की इंग्लैंड की जो फीमेल क्रिकेट टीम है इन्हीं के कैप्टनसी में इन्होंने एस एस जीता था और आफ्टर फोर्टी टू ईयर्स ऐसा हुआ था कि इंग्लैंड की फीमेल क्रिकेट टीम एस एस जीती थी चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है नितिन मेनन के बारे में नितिन मेनन भी बहुत न्यूज़ में थे अभी क्योंकि इनको आई सी सी के एलाइट पैनल में एम्पायर में चूज़ किया गया है ये इंडिया की तरफ से थर्ड एलाइट पैनल के जो पैनल जो एम्पायर रहेंगे वो थर्ड एम्पायर है इससे पहले दो और इंडियंस को चूज़ किया जा चुका है वो इंग्लैंड के नाइजिल लॉन्ग की जगह लेंगे नितिन मैन जो है नाइजिल लॉन्ग की जगह लेंगे चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है आई एम के बारे में इनका नाम अभी रिसेंटली ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से पद्मश्री के लिए रिकमेंड किया गया है ये फॉर्मर इंडियन कैप्टन भी रह चुके हैं 40 गोल्स किए थे इन्होंने 79 मैचेस में इनको बहुत बार इंडियन सॉरी प्लेयर ऑफ़ द ईयर के भी अवार्ड से नवाजा जा चुका है जैसे 1993 में 1997 में 1999 में इनको प्लेयर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिल चुका है 2003 में ये अर्जुन अवार्ड से भी नवाजे जा चुके हैं और अभी इनका नाम जो है पद्मश्री के लिए जो इंडिया का फोर्थ हाइस्ट सिविलियन अवार्ड है उसके लिए इनका नाम रिकमेंड किया गया है फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है क्रिस्तानो रोनाल्डो के बारे में ये पुर्तगाल के प्लेयर हैं अभी बहुत न्यूज़ में रहें क्योंकि ये पहले प्लेयर हैं टू अर्न मोर देन वन बिलियन डॉलर एज पर द फॉरेब्स मैगजीन रिपोर्ट ये जो है रोनाल्डो इज रैक्ड एट नंबर फोर इन द फॉरेब्स लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड हाइस्ट पेड स्पोर्ट्स पर्सन इन ट्वेंटी ट्वेंटी चौथे नंबर पर इनका नाम है हाइस्ट पेड स्पोर्ट्स पर्सन की लिस्ट में जो फॉरेब्स के द्वारा पब्लिश किया जाता है हमारा नेक्स्ट न्यूज है निकी निकी पोनाचा के बारे में ही हैज़ बीन इलेक्टेड टू इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन मेन्स प्लेयर पैनल इलेवन प्लेयर कंटेस्टेड द पोल फॉर मेंबरशिप इन द पैनल ऑफ मेन इन विच पोनाचा गॉर द सेकंड हाईएस्ट वोट ऑफ सिक्सटी टू ही एलॉन्ग विथ ताई चेन ऑफ चाइनीज तपे विल रिप्रेजेंट द एशिया ओशियनिक जोन इन द Panel. हमारा नेक्स्ट न्यूज है क्रिस्टियन कोलमैन के बारे में अर्ली फेवरेट फॉर द ओलंपिक गोल्ड मेडल एट टोक्यो गेम्स है इनको एथलीट इंटीग्रिटी यूनिट के द्वारा रिसेंटली ऊपर बैन लगाया गया है और बैन लगाने के पीछे इनको रीजन बताया गया है फॉर इरेगुलरिटीज इन फॉलोइंग डॉपिंग टेस्ट प्रोसीजर ये फाइनल डिसीजन नहीं था फाइनल डिसीजन वेट कर रहे हैं अब इनके ऊपर टेंपरिरी बैन लगा है अगर फाइनल डिसीजन आता है तो ऐसा कहा जा रहा है कि इनके दो साल का लगेगा। हमारा है, स्टार चेस प्लेयर हैं इन प्लेयर्स का आप कंट्री जरूर से याद रखिए क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स का नेचर है कि इन प्लेयर्स की कंट्रीज पूछ ली जाती है जैसे एस का एग्जाम है आर है इनका ये फेवरेट क्वेश्चन होता है इसके अप है पी कृष्णा इंडिया के प्लेयर हैं एम साखियार जो हैं ये टेन राउंड के मैच में इन्होंने सेवन पॉइंट फाइव पॉइंट्स इनके थे और पी कृष्णा के टेन राउंड के मैच में सिक्स पॉइंट फाइव पॉइंट्स थे एम एम साखियर जो है इनको प्राइज़ अमाउंट तीन हज़ार डॉलर का दिया गया था इसके बाद इस सीरीज़ का हमारा लास्ट न्यूज़ है केसरीकांत इनका नाम अभी रिकमेंड किया गया है बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा फॉर खेल रत्न अवार्ड इसके लिए इनका नाम रिकमेंड किया गया है अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए प्रतियोगिता दर्पण अगस्त ट्वेंटी का पूरा कंपाइलेशन लेकर के आ रही हूँ साथ ही मेमोरेबल पॉइंट्स का एक अलग ही आपको वीडियो भी मिल जाएगा और भी जितने भी अपडेटेड न्यूज़ रहेंगे उससे मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल अपडेटेड कराती रहूँगी मेरा थर्ड वीक का भी जो सीरीज चल रहा है हमारा वीकली करेंट अफेयर सीरीज उसके क्वेश्चन भी बहुत जल्दी आप लोगों के पास आ जाएंगे अगर इसके अलावा भी आपको कुछ चाहिए कुछ और पढ़ना है मुझसे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपको मेरा मटेरियल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल बटन को प्रेस करके रखिए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगा इस कोविड के टाइम पे स्टे एट होम स्टे सेफ थैंक यू